एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी टाइम हो रहा है 9:30 बज रहे हैं सुबह के। अभी मैं नाश्ता नहीं की हूँ क्योंकि उठी थोड़ा लेट से, और फिर मालिश वाली आंटी आ गई थी तो मालिश वगैरह की, और बाबू पॉटी कर दिया था क्योंकि बाबू 2 दिन के बाद पॉटी करता है, तो मम्मी साफ वगैरह कर दी थी क्योंकि मैं भी बाथरूम चली गई थी इसी वजह से। और बाबू अभी तक वो तो खेलेगा ही, सो है नहीं, देख सकते हैं खेल रहा है। उसका नानी आ गई है। मंगू पंगू को नहीं देखे से बच्चा को खेल सब ए तो फिर मुते अदीचे लास्ट क्लास था ले ले बाबा तो दांत नाना के दे दे बाबा सूचन सुतन देना सुबह थोड़ी ना, मेरे पापा ड्यूटी से आते हैं, रात भर काम करते हैं, ऐसी वजह से पापा के पास मैं इनको देती नहीं हूँ बाबू को, क्योंकि पापा फिर सो नहीं पाएंगे इसी वजह से। पापा जो थोड़ा बहुत सोते हैं इसी वजह से। अभी उन्हीं के पास थे, पापा के पास थे तो रोने लगा था, तो मैं लेकर आ गई हूँ। पापा को मैं सोने देंगी अभी। पापा के रूम में बिस्तर था, इसलिए मम्मी बोल रही है कि बिस्तर पे सुसु कर देगा, इसलिए मम्मी इसका बिस्तर लाने गई है। दड़ा ना वो इधर के दड़ा। हे गाइस, तो यहाँ पे सुबह सुबह हो रहा है बारिश। सुबह मतलब 10 बज रहा है, अभी बारिश हो रहा है बहुत तेज, और आज नाश्ता बनाने में थोड़ा लेट हो गया है मम्मी को। ये देख सकते हैं बारिश हो रहा है, पूरा भींग जाता है ये सब बारिश होने पे। हमारे पेड़ का फूल देख सकते हैं कितना फूल है गाछ में, कितना सारा, जितना भी तोड़ पाती है तोड़ के पूजा करती है, और नहीं तो फिर वैसे ही रह जाता है। बहुत सारे लोग लेकर जाते हैं आके, पापा लेकर आ गए हैं जामुन, ये देख सकते हैं बड़ा बड़ा। वो भी पापा जहाँ काम करते हैं वहाँ से लाते हैं, वहाँ पेड़ है बहुत सारा तो वहीं से लेकर आए हैं। और मेरे लिए पपीता लेकर आए हैं, एक पपीता खरीद के लेकर आए थे, और एक यहाँ पे आंटी है उनका पेड़ में था तो वो देकर गई है, एकदम फ्रेश है, दो देकर गई। तो मम्मी आज क्या बना रही देखती हूँ। मम्मी बना रही है रोटी और पपीते का भुजिया, जो कि बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को, बहुत टेस्टी लगता है पपीते का भुजिया और रोटी। यहाँ पर रोटी बना रही है, पपीते का भुजिया और यहाँ पर रोटी बना रही है। पपीते का भुजिया बनता है, पपीता को पहले उबाला जाता है, नहीं तो पपीता ऐसे मतलब सीझेगा नहीं, उसको उबाल के इसके बाद उसका भुजिया बनता है तेल में फ्राई करके, तो लाल करके जैसे आलू का भुजिया बनता है उसी टाइप से। तो फिर नाश्ता करूँगी, अभी तो बारिश होने लगा है और बाबू अपने मौसी के पास अभी है, सोने का कोशिश कर रहे हैं। और पापा नहीं है, थोड़ा काम से गए हैं बाहर, और भाई स्कूल गया हुआ है, आज कपड़ा भी नहीं सूखेगा। ओके गाइस, तो मैं फाइनली नहा कर आ गई हूँ, बाल में भिगाई नहीं, वो भींग गया है, थोड़ा बारिश हो रहा था इसी वजह से मेरा बाथरूम जो है थोड़ा जाना पड़ता है, और इसमें भींग गई हूँ थोड़ा सा, बाल थोड़ा भींग गया तो सुखा लूँगी। और अभी बहुत तेज बारिश हो रहा था, बहुत तेज एकदम, अभी शांत हुआ है। और अभी मम्मी नाश्ता लेकर आए, नाश्ता करूँगी, बाबू अभी सो रहा है। सूखी नाश्ता लेकर आ गई है मेरे लिए, तो मम्मी दी मेरे को पपीता का भुजिया और गर्मा गर्म रोटी जो मम्मी अभी तुरंत बनाई है, और मुझे डॉक्टर पपीता खाने बोले हैं इसी वजह से, और मुझे पपीता पसंद भी है। ये और पपीते का सब्जी भी बनता है, भुजिया भी बनता है, तो लोगों को भुजिया बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे घर में सबको सब्जी पसंद है। मम्मी मसाला वसाला डाल कर थोड़ा सब्जी बनाती है। चलिए मैं नाश्ता कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो आप लोग कमेंट बताइएगा कि आप लोग पपीता का भुजिया खाते हैं या नहीं। तो ये पपीता का भुजिया। हेलो एवरीवन, तो मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि मैं बाबू के लिए नेल कटर मंगवाई हूँ, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये रहा, डब्बे में पैक आया हुआ है, मैं अनबॉक्सिंग कर चुकी हूँ, इस डब्बे में है, बहुत अच्छे डब्बे में आया हुआ है। तो इसे यहाँ से ऐसे खोल के, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यही सब है, आप कोई भी एक इसमें लगा के और नेल काट सकते हैं। तो ये आ गया, और इसके अंदर ये है कि बैटरी दिया नहीं जाता है, आपको खुद अपना ख़रीद के लगाना पड़ता है, तो मेरे पास था तो मैं लगाई हूँ इसके अंदर बैटरी, तो ये यहाँ से ऑन हो जाता है, ये देख सकते हैं लाइट जल रहा है, और यहीं पे इसे लगाना पड़ेगा, कोई एक आपको चुनकर यहाँ पे एक लगाना पड़ेगा। पहले इसको ऑफ कर लेती हूँ, तो ये गया इसके अंदर ऐसे, और इसके बाद इसे ऑन ये ऑन हुआ, अब ये ऑन हो जाएगा। तो आप यहाँ से इसे
कटिंग कर सकते हैं। बहुत मतलब ये है बच्चे के लिए बहुत अच्छा है, सॉफ्ट है एकदम। आप खुद का भी कट कर सकते हैं, बड़े आदमी के लिए भी है यहाँ पे करने के लिए। ये वाला है, ये वाला, ये आप लगा के, मतलब कट करने का नहीं है, जैसे सेव करने का होता है ना, रील सेव कर उस टाइप का है। तो यहाँ पे फिर लाइट देना और ये स्टार्ट हो गया। तो आपको यहाँ पे सिर्फ सटा के ऐसे सिर्फ आपको नेल ऐसे रखना है और इसको आपको सिर्फ गोल गोल घुमाना है, बस इसको घुमाना है। आपको नेल को नहीं घुमाना है, इसको फिर इधर करना है, फिर इधर का ऐसे कर देना। तो आज मैं बाबू का नेल कट करूँगी इससे, तो देखती हूँ कैसा, कितने दिन चलता है, क्या होता है। इसमें हमेशा बैटरी लगा के, इसका प्राइस मुझे सही से याद नहीं है, इसमें लिखा भी नहीं हुआ, लिखा भी नहीं है। 100 कितना था या 200, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप लोग सर्च कर लेना तो उसे पता चल जाएगा, अगर आप लोगों किसी को लेना है। चलो बाबू का मैं कट करके देखूँगी, तब आप लोगों को बताऊँगी कैसा होता है क्या। हे गाइस, तो मैं बाबू का भी तैयार कर, बाबू को नहला ही नहीं क्योंकि आज का मौसम थोड़ा बारिश हो रहा था, इसी वजह से बाबू को नहाए नहीं, ठंडा ठंडा मौसम था। तो बाबू को मैं तैयार की हूँ, पोछ दी हूँ, बता ना। तो ये रहा बाबू, डुगु, हेलो हेलो डुगु। तो वो खेल रहा है और कल बाबू को नहलाऊंगी क्योंकि बाबू को कल इंजेक्शन दिलवाने लेकर जाना है, तो कल नहलाना ही पड़ेगा क्योंकि दो दिन बाबू को नहा नहीं पाऊंगी, तबीयत वगैरह ख़राब हो जाएगा। तो और दो दिन हो चुका है, तीन दिन हो जाएगा नहाया नहीं, कल नहलाना ही पड़ेगा बाबू को। नहला के अच्छे से साफ उतर के तब लेकर जाऊंगी। देख सकते हैं बाबू अपने मौसी का खेल रहा है, खेलेगा क्या, उसकी मौसी खा रही है तो देख रहा है। मांग रहा है मौसी से खाने के लिए। जना ओके उन्हीं को करना जा बेटा, नहीं मिला आली बेटा। और ना ना बेटा ना आ गोदी में। हेलो एवरीवन, तो मैं आप लोग को एक बात बता देती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ, मम्मी एक दिन मटन बनाई थी, मटन करी, तो मैं उस दिन आई थी, उसके बाद वाले दिन मंडे को बनाई थी, तो मैं उस दिन थोड़ा सा बस रिकॉर्ड कर पाई थी क्योंकि बाबू के साथ बिजी थी मटन करी का वीडियो। तो आज मैं उसे डाल रही हूँ, ऐड कर दूँगी क्योंकि वो डाल नहीं पा रही थी, वीडियो ऐसे बन जा रहा था इसी वजह से। तो क्या कमेंट मत कीजिएगा कि आज आप लोग मटन खा रहे हैं, आज कुछ है शायद, मुझे ठीक से पता नहीं है, पूर्णिमा है क्या शायद कुछ इसे। तो मैं और यही नाइटी मैं उस दिन भी पहनी हुई थी, तो मैं वो वीडियो ऐड कर दूँगी। तो कोई गलत कमेंट मत कीजिएगा आज आप लोग खा रहे हैं। तो मैं वो वीडियो बनाई थी मम्मी के साथ, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, सिर्फ बना रही थी वो और खाने का टेस्ट का मैं बस बताई थी, और शॉर्ट्स भी उसका मैं बना के रखी, लेकिन डाल नहीं पा रही थी। और यहाँ नेटवर्क का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जा रहा है, मुझे बगीचा जाके अपलोड करना पड़ता है आप लोगों के साथ। एक दिन तो बताना मैं भूल गई थी, एक दिन मैं आप लोगों को याद होगा मैं 9:30 बजे रात को एक वीडियो अपलोड की थी, जिस दिन मम्मी फिश करी बनाई थी, उस दिन मेरे 6 बजे से मैं वीडियो अपलोड करी थी, रात 9:30 बज गए थे उस दिन वीडियो अपलोड करने। इतना ज़्यादा मुझे रोना आ रहा था उस दिन, मैं वीडियो अपलोड करी, अपलोड हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं, बहुत स्लो करते करते जाके 9:30 बजे रात को वीडियो अपलोड है। इतना यहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम है। तो आप लोग कोई कमेंट मत कीजिएगा, ठीक है। हे गाइस, तो मम्मी अभी बना रही है मटन, चावल बना चुकी है मम्मी, और चावल है यहाँ पे, ये रहा चावल बना दिए, और अभी मटन बना रही है। मम्मी मटन थोड़ा अलग टाइप से बनाती है, मम्मी बनाती है क्या, मम्मी यहाँ पे आलू फ्राई करके निकाल चुकी है मटन के लिए। ये रहा आलू फ्राई, और यहाँ पे है मटन जो मम्मी एक साथ सब कुछ डाल के अच्छे से पका रही है, प्याज और मटन मसाला सब कुछ, हल्दी नमक मिर्च गुंड नहीं है, और ये मसाला है। तो सब कुछ एक साथ डाल के मम्मी इसे पका रही है, और इसके बाद प्रेशर कुकर में प्रेशर लगा देगी। मतलब मम्मी का शुरू से एक साथ सब कुछ डाल देती है और उसे अच्छे से फ्राई करती है, भूनने के बाद उसे सीटी लगा देगी। बस इसके जब बन जाएगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अब मम्मी इसमें क्या क्या डाली मैं ही बता देती हूँ कैसे बनता है। प्याज बहुत ज़्यादा करके प्याज डालती है, प्याज और इसके बाद तेज़पत्ता तेल में डालने के बाद प्याज थोड़ा सा हल्का
फ्राई करती है, इसके बाद तुरंत मटन डाल लेगी या तुरंत मसाला। मसाला में वही अदरक तो नहीं डाली है मेरे वजह से मम्मी, अदरक आप डाल सकते हैं, अदरक लहसुन और फिर प्याज, मम्मी प्याज भी डालती है पीस कर भी, और हरा लाल मिर्च, लाल मिर्च बहुत कम दी है, हरा मिर्च दी है, और जीरा अच्छे से पीस के, धनिया पीस के इसको डाल दिया, बस अब पका लेगी, इसके बाद फिर बन जाएगा, जब बनेगा तब आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, ठीक है, कैसा बनता है कैसा। गाइस तो मम्मी खाना तैयार कर दी है और खाना बनाई मटन करी चावल और सलाद। तो यह मटन करी चावल और सलाद जो कि बहुत टेस्टी होता है मम्मी के हाथ का, बहुत दिनों बाद मम्मी के हाथ का मटन करी खाऊंगी और बहुत टेस्टी, बहुत दिनों बाद, मतलब कि बाबू जब होने वाला था 6 मंथ यहाँ पे रह के, इसके बाद गई थी मैं, मतलब 5 मंथ 6 मंथ रह के इसके बाद गई, उस टाइम खाई थी, तो आज खाऊंगी, देखती हूँ कैसा बना है। हे गाइस तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पेंड करते हैं, और अभी हो रहा है 5:30 शाम की और मैं उठ गई थी, तो मैं सोचती थी ब्लॉग को अपने एंड कर देती हूँ, तो चलिए फिर अब कल मिलते हैं, कल आप लोगों को कल ही पता चलेगा कुछ, कल सरप्राइज़ है, तो कल के वीडियो ज़रूर देखिएगा। कल थोड़ा हमारे लिए टफ दिन भी है क्योंकि बाबू का कल इंजेक्शन लगने वाला है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर सब्सक्राइब करते तो फुल ब्लॉग देखा कीजिए। तो आज के वीडियो का एंड करते हैं, आज के लिए बाय।